आज हम लोग को स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट फ्लो और बर्नौलीज थ्योरम वगैरह करना है। सो स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है? व्हेन अ लिक्विड फ्लोज सच दैट ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड पासिंग अ गिवन पॉइंट मूव्स अलोंग द सेम पाथ एंड हैज द सेम वेलोसिटी एज इट्स प्रेडेसेसर द फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो और स्ट्रीमलाइन स्टेडी फ्लो। तो अगर ए पॉइंट से जो भी लिक्विड गया होगा, ये पहले लेट्स से बी वाला जब यहाँ पे था, बी पॉइंट वाला लिक्विड जब ए पॉइंट के पास था, या सी वाला लिक्विड जब ए पॉइंट पे था, ये सभी का वेलोसिटी सेम रहा होगा उस समय और डायरेक्शन भी सेम रहा होगा। तो सेम पाथ एंड हैज द सेम वेलोसिटी। सो एज शोन इन फिगर कंसिडर द फ्लो ऑफ द लिक्विड अलोंग द पाथ ए बी सी वेयर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। इफ एवरी सक्सेसिव पार्टिकल passes through point A, so every successive particle passes through point A with constant velocity Va, right? So directed along tangent at A, then through point B with constant velocity Vb directed along tangent at B, and then through C with constant velocity Vc, the flow is said to be steady, orderly or streamlined. So every particle जब A से pass करेगा तो एक तो path same ले A B C वाला, उसके अलावा A से pass करे तो उसका speed V A हो उसके tangent के along, V B हो उसके tangent के along और V C उसके tangent के along अगर A B C से pass करता है। Now streamline, a streamline may be defined as the path, the tangent to which at any point gives the direction of flow of liquid at that point. As shown in the figure, path ABC along which the particles move one after another is a streamline. So ye jo path ABC hai, isme jo particle moves one after the other is called streamline. Now particles of streamline flow. So in a streamline flow, no two streamlines can cross each other, right? So two streamlines cannot cross each other, right? So in a steady flow, no two streamlines can cross each other. First, the tangent to streamline at any point gives the direction of velocity, right? So no two streamlines can cross each other. क्यों? क्योंकि एक ही point पे दो direction नहीं हो सकता है. If they do so, the fluid particle at a point of intersection will have two different directions of flow. So that is not possible. Second, the tangent to streamline at any point gives the direction of velocity of liquid fluid particle at that point. So the tangent to streamline at any point gives the direction of velocity of liquid particle at that point. Third is greater the number of streamlines passing normally through a section of the fluid, larger is the fluid velocity at that section. Okay. So जितने ज्यादा स्ट्रीम लाइन्स किसी क्रॉस सेक्शन से पास करेगा उतना ज्यादा फ्लूइड वेलोसिटी होगा। सो ग्रेटर नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स पासिंग थ्रू नॉर्मली थ्रू अ सेक्शन ऑफ फ्लूइड, मान लो ये सेक्शन ऑफ फ्लूइड है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स विच इज पासिंग थ्रू इट, मोर द नंबर ऑफ स्ट्रीम लाइन्स पासिंग थ्रू दिस, मोर विल बी द स्पीड। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन, बट इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम स्ट्रीम लाइन। तो किसी पॉइंट पे स्ट्रीमलाइन में फ्लूइड वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, बट डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी डिफरेंट होगा उस स्ट्रीमलाइन में। नाउ ट्यूब ऑफ फ्लो, अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो। जैसे ये बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइन दैट इज पासिंग, यू नो, फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन इज कॉल्ड ट्यूब ऑफ फ्लो। द बाउंड्री ऑफ फ्लो ट्यूब इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। तो ये जो बाउंड्री ऑफ फ्लो ट्यूब है, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स। नो फ्लूइड कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द ट्यूब ऑफ फ्लो, राइट?
Now, in a steady flow, the shape of the flow tube does not change with time, right? तो ये बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस को हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं, और उसमें मतलब उस पूरे बंडल की प्रॉपर्टी को हम लोग अगर देखें तो वो जो पूरा बंडल है, सो उसके बाउंड्री ऑफ फ्लो ट्यूब इज ऑलवेज पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फर्स्ट, सेकंड नो फ्लूइड कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो, क्योंकि बाउंड्री ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो को कौन दूसरा फ्लूइड अगर क्रॉस करता है तो वो उसके स्ट्रीमलाइंस को क्रॉस करेगा, वो पॉसिबल नहीं है. फोर्थ है, इन अ स्टेडी फ्लो द शेप ऑफ द फ्लो ट्यूब डज नॉट चेंज विथ टाइम. ठीक है, तो शेप अगर फ्लो ट्यूब का स्टेडी फ्लो में, बिकॉज एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन रहता है वेलोसिटी का, तो वो चेंज नहीं करेगा, इट डज नॉट चेंज विथ टाइम. नाउ लैमिनर फ्लो, सो इफ ए लिक्विड फ्लोज ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस विथ स्टेडी फ्लो, so if a liquid flows over a horizontal surface with a steady flow and moves in the form of layers of different velocities which do not mix with each other, then flow of liquid is called laminar flow. Each layer of the liquid slides over the other layer. ठीक है, तो each layer will slide over the other layer in a laminar flow. Velocity profile अगर हम लोग देखें तो the surface obtained by joining the heads of the velocity vectors for the particles in a section of flowing tube is called velocity profile. So velocity profile of a non-viscous liquid, मतलब जिनके layers के बीच में मतलब friction नहीं होता है, उसका अगर velocity profile देखें, in case of a non-viscous liquid, the velocity of all the particles at any section of a pipe is same. So the velocity profile is plane as shown in the figure below. Now velocity profile of a viscous liquid. So when a viscous liquid flows through a pipe, the velocity of a layer at the axis is maximum. तो देखो यहाँ पे अगर non-viscous liquid की बात करें, तो ये हो गया velocity profile उसका, right? तो आप देखो कि हर point पे velocity same है, मतलब उसका length ये देख रहे हो velocity vector का same है, मतलब हर point पे velocity same है. यहाँ पे देखो non-viscous liquid में वैसा नहीं है, जो एक्सिस पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा और जो सरफेस ऑफ ट्यूब के पास वहां पे मिनिमम वेलोसिटी होगा. सो व्हेन अ फ्लूइड, व्हेन अ विस्कस लिक्विड फ्लोस थ्रू अ पाइप, द वेलोसिटी ऑफ लेयर एट द एक्सिस इज मैक्सिमम. सो यहाँ पे एक्सिस पे मैक्सिमम है. द वेलोसिटी डिक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स द वॉल. तो वॉल के तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे वेलोसिटी आप देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज करता जा रहा है. तो वेलोसिटी डिक्रीजेस एज वी गो टूवर्ड्स द वॉल ऑफ द पाइप एंड बिकम्स जीरो फॉर द लेयर इन कॉन्टैक्ट विद द पाइप, है ना. तो लेयर जो कि पाइप के कॉन्टैक्ट में है यहाँ पे, वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया. ठीक है, नॉट टर्बुलेंट फ्लो. सो हेंस द वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस लिक्विड इज पैराबोलिक. तो यहाँ पे वेलोसिटी प्रोफाइल मतलब इसके वेलोसिटीज को ज्वाइन करोगे, ये जो एनवेलप टाइप का है, दिस गिव्स यू वेलोसिटी प्रोफाइल. हियर द वेलोसिटी प्रोफाइल वाज स्ट्रेट लाइन एंड इन दिस विस्कस लिक्विड द वेलोसिटी प्रोफाइल इज बेसिकली इज पैराबोलिक. नॉट टर्बुलेंट फ्लो. So turbulent flow, when a liquid moves with a velocity greater than a certain velocity called its critical velocity, the motion of the particle of liquid becomes disordered or irregular. Such a flow is called turbulent flow. तो यहाँ पे इस region में देखो जो है यहाँ पे laminar flow है, यहाँ पे turbulent flow है. So in a turbulent flow, the path and the velocity of the particle of the liquid so in a turbulent flow the path and the velocity of the particles of the liquid change continuously and haphazardly with time from point to point. In a turbulent flow, most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies in the liquid and only a small fraction of energy is available for forward flow. तो ये जो ऐसे ये जो currents form हो रहा है ना, इसको eddies कहते हैं. तो ये ज्यादातर जो energy है turbulent flow में, जो external energy
most of the external energy maintaining the flow is spent in producing eddies, right? And in the liquid, and not only a small fraction of energy is available for forward flow. Now, critical velocity. So streamline flow is possible only if liquid velocity does not exceed a limiting value. Called critical velocity. So the critical velocity of a liquid is that limiting value of its velocity of flow up to which flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent. The critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube depends on first coefficient of viscosity of the liquid, density of the liquid, and diameter of the tube. So, ये coefficient of viscosity पे dependent है, density of liquid पे dependent है, और diameter of the tube पे dependent है, हमारा critical velocity. तो ये critical velocity basically decide करता है कि किस तरह का flow है. So streamline flow is possible only if liquid velocity does not exceed the limiting value called streamline velocity. Called critical velocity. The critical velocity of the liquid is that limiting value of its velocity of flow up to which the flow is streamlined and above which the flow becomes turbulent. So this critical velocity is a boundary. Uske niche hoga velocity to streamline flow hoga, usse zyada hoga velocity to turbulent flow hoga. Critical velocity of a liquid through a tube depends on these factors, you know, coefficient of viscosity, density, or diameter of the tube. Or critical velocity is equal to because ये dependent है इन सब चीजों पे, let's say coefficient of viscosity पे, density पे और diameter of the tube पे, तो उसके power ABC करके हम लोग ABC का value निकाल लेते हैं. ये हम लोग CBSE वाले class में कर चुके हैं. I'll directly come to the value. So this is VC, critical velocity is equal to K times eta by rho into D, है ना? So where eta is coefficient of viscosity, rho is density, and D is the diameter of the tube. Now, clearly, the critical velocity Vc will be larger if eta is large and rho and D are small. Okay? So, coefficient of viscosity jab large hota hai aur density aur diameter small hota hai, उस समय द क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी लार्जर. तो जब इटा लार्जर होगा और ये दोनों डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा तब वीसी ज्यादा होगा. द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ हायर विस्कोसिटी एंड लोअर डेंसिटी थ्रू नैरो पाइप्स टेंड टू बी स्ट्रीमलाइन. तो जो जिसका जो हायर विस्कोसिटी है और लोअर डेंसिटी है थ्रू नैरो पाइपलाइन डायमीटर कम है तो उस केस में स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा. द फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ लोअर विस्कोसिटी and higher density through broad pipes tend to become turbulent because in that case the critical velocity will be very small. Now critical velocity and Reynolds number. So critical velocity is that velocity of liquid flow. So critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow is streamlined and above which its flow become turbulent. Okay. So critical velocity is that velocity of liquid flow up to which its flow is streamlined and above which its flow becomes turbulent. Now, Reynolds number is a pure number which determines the nature of flow of liquid through a pipe. It is defined as the ratio of internal force per unit area, inertial force per unit area to the viscous force per unit area for a flowing liquid. So, ye Reynolds number deta hai hum log ko. Inertial force per unit area by viscous force per unit area. So, agar hum log Reynolds number ko nikale, to ye basically V into rho into R by eta hai. So,
अब ये रेनॉल्ड्स नंबर का जो वैल्यू है, इफ इट लाइज बिटवीन 0 to 2000, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीमलाइन और लैमिनर. इफ इट लाइज बिटवीन 2000 to 3000, फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल एंड चेंजिंग फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो, एंड अबव 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज डेफिनेटली टर्बुलेंट. तो यहाँ पे इसमें चेंज हो रहा होता है, ये स्ट्रीमलाइन है, ये टर्बुलेंट है, और ये रीजन जो है जिसमें कि वो स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट की तरफ चेंज कर रहा Now let us do this question. The flow rate of water from a tap of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. ठीक है, तो जो टैप जो है उसका डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर है, सो दिस इज 1.25 इंटू 10^-2 meter हो गया. और इसका जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर पीटा इज इक्वल टू 10^-3 पास्कल सेकंड, एंड यहाँ पे जो डेंसिटी है लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg/m³, राइट. Now volume of water flowing out per second, flow rate हम लोग को दे रखा है यहाँ पे, so volume of water flowing per second is equal to Q, which is equal to V into T or V into ये एरिया, एक मिनट, स्पीड वी इनटू टोटल वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और विच इज इक्वल टू जो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है π/d²/4, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी वी हो जाएगा, दैट इज π/d²/4 इंटू वेलोसिटी वी हो जाएगा. ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय टाइम, ठीक है. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड विल बी इक्वल टू π/d², मतलब ए इंटू वी, बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वॉल्यूम वी, राइट. और स्पीड ऑफ फ्लो अगर हम लोग निकालना होगा, वी इज इक्वल टू 4q/π/d², राइट. अब रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो वी डी तो ये हम लोग फॉर्मूले में पुट कर ले रहे हैं. रो डू बाय इटा, और यहाँ पे वी के जगह इसको पुट कर लो 4q/π/d², ठीक है. तो यहाँ पे ये डी और ये डी स्क्वायर कट गया, तो हमारा 4ρ³/η×π×d, ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होगा. अब Q का वैल्यू यहाँ पे 0.48 liter/min है, इसको कन्वर्ट कर लेते मीटर क्यूब पर सेकंड में. Q
Q is equal to 0.48 liter per minute, 0.48 into 10 to the power minus 3 meter cube में convert करने के लिए, और seconds में divided by 60 कर लेंगे. So 10 to the power 4 minus 5, 8 into 10 to the power minus 6 हो जाएगा. मीटर क्यूब पर सेकेंड. अब क्यू का वैल्यू निकाल लिया, अब सारे वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग निकाल लेते हैं. सो रेनॉल्ड नंबर आर ई इज इक्वल टू 4 इंटू रो इंटू क्यू बाय थीटा पाई डी. अब ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर लेते हैं. 4 इंटू डेंसिटी जो है वो 1000 दे रखा है. Q का वैल्यू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो गया, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 10 टू द पावर माइनस 3 है, पाई 3.14 हो गया, इंटू जो डायमीटर है वो दे रखा है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ये रेनॉल्ड्स नंबर हो गया. सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें, माइनस 3 3 6 और ये कैंसिल हो गया. सो 3200 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाय 3.14 1.25. सो दिस इज 815 approximately equal to 815. अब यहाँ पे Reynolds number क्या है? Since Reynolds number is less than 1000, so the flow is streamline. अब आपको कह रहा है कि after some time the flow is increased to 3L per minute, 3 liters per minute. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये Q का value अब change हो जाएगा, 0.48 से अब 3 हो जाएगा. उस समय हम लोग RE का वैल्यू निकालेंगे और उसको चेक करेंगे, तो हमें ये बेसिकली Q डैश विल बी इक्वल टू पहले 3 लीटर्स पर मिनट, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 60 अगर हम लोगों ने किया, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया Q का वैल्यू. और यहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर आर ई डैश आएगा, सो दिस इज 4 इंटू 10 टू द पावर 3, 4 रो, क्यू का वैल्यू अब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 3, राइट, ईटा इंटू रो इंटू डी, ईटा इंटू पाई इंटू डी, 3.14 डी का वैल्यू तो सेम रहेगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें, माइनस 3 और 3 ये कैंसिल हो गया, 10 बच गया, 10 टू द पावर 3 हो गया 20 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 1.25, 5.09 और 10 टू द पावर, तो 5095 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है. ठीक है, तो दिस इज ग्रेटर देन 2000. ठीक है, ग्रेटर देन सॉरी 3000, है ना. सो यहां पे बेसिकली 2000 से लेस पे था, तो 1000 करो, लेस देन 2000 था तो स्ट्रीमलाइन फ्लो. 2000 से 3000 तो वो जब चेंज हो रहा होता है वो पोर्शन है, ग्रेटर देन 3000 के लिए टर्बुलेंट फ्लो हो जाए. क्लियर है बच्चों? यस सर.
डन लिख लिया यस सर नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी राइट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि अगर एक एक फ्लो है ना द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स है ना तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये बेसिकली क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड डायनेमिक्स है सो मान लो दो क्रॉस सेक्शन है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन है दूसरे रीजन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए टू है चेंज कर रहा है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन राइट और यहाँ पे जो फ्लो है लिक्विड का स्पीड जो है लिक्विड का वी वन और इस समय जो फ्लो है वो वी टू राइट तो स्पीड मान लो डेल्टा टी टाइम में ये जो डिस्टेंस मूव किया ये वी वन डेल्टा टी मूव किया और ये जो डिस्टेंस मूव किया ये वी टू डेल्टा टी मूव किया राइट तो जितना लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग हियर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच विल बी फ्लोइंग हियर विल बी इक्वल टू ए वन इंटू वी वन डेल्टा टी एंड हियर इट विल बी ए टू वी टू डेल्टा टी सो कंसिडर टू क्रॉस सेक्शन ए वन ए टू कंटेनिंग टू पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली इन अ ट्यूब ऑफ फ्लो लेट स्पीड ऑफ फ्लूड बी वी वन एंड वी टू रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट ए एंड बी एज द फ्लूड इज इनकम्प्रेसिबल तो इम्पॉर्टेंट इज दिस पॉइंट द अमाउंट ऑफ फ्लूड एंटरिंग ए इन टाइम डेल्टा टी इज मस्ट बी लीविंग ए टू एट द सेम पॉइंट भाई कंप्रेस नहीं हो सकता तो जितना लिक्विड यहाँ पे एंटर किया अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज एंटरिंग हियर शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज कमिंग आउट हियर राइट सो दिस इज ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू इंटू वी टू दस द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द स्पीड रिमेन्स द सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ ए ट्यूब ऑफ फ्लो सो ए इंटू वी इज इक्वल टू constant right so the area of cross section is inversely proportional to velocity so this expression is called the equation of continuity for the steady flow of an incompressible and non viscous liquid now the velocity of flow is independent of the liquid assuming the liquid to be non viscous The velocity of flow will increase in cross section, decrease. So velocity, जब हम a1 v1 is a2 v2, इसका मतलब a into v constant हो गया तो area of cross section is inversely proportional to speed of liquid passing through it. So अब यहाँ पे क्या है कि the flow of liquid is independent of the liquid or velocity of flow. will increase if cross section decreases देखो एरिया और वेलोसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर एरिया कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और एरिया इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगा मतलब अगर हम लोग एरिया को रिड्यूस कर देते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है ये हम लोग मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लोग गार्डनिंग कर रहे होते हैं इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग पाइप को थोड़ा क्लोज कर देते हैं तो जो वेलोसिटी जो उसके थ्रू पाइप के थ्रू जो लिक्विड का है वेलोसिटी वो इंक्रीज कर जाता है ना और ज्यादा दूर तक हम लोग पानी डाल पाते हैं राइट नाउ सम एग्जांपल्स ऑफ दिस इज इन हिली रीजन वेयर द रिवर इज नैरो एंड शैलो दैट इज स्मॉल क्रॉस सेक्शन द वाटर करंट विल बी फास्टर एंड वाटर करंट विल बी हाई व्हाइल इन प्लेन्स वेयर द रिवर इज वाइड एंड डीप लार्ज क्रॉस सेक्शन द करंट विल बी स्लोअर And so deep water will appear to be still. When water falls from a tap, the velocity of falling water under the action of gravity will increase with the distance from the tap. So in accordance with continuity equation, the cross section of the water stream will decrease because yahan pe velocity kam hoga v1. So v2 will be greater than v1. Why? बिकॉज यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से तो वी टू इज ग्रेटर देन वी वन दैट मीन्स ए टू विल बी लेस देन ए वन सो बिकॉज ए टू इज लेस देन ए वन दैट मीन्स यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है और यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है ना ए टू विल बी लेसर देन क्रॉस सेक्शन एट ए वन
So in accordance with continuity equation, the cross section of water stream will decrease, that is A2 will be less than A1. That is, the falling stream of water becomes narrower. Now, uniform and non-uniform flow. A flow is said to be uniform at any instant of time if the velocity does not vary along the direction of flow, right? So, so a flow is said to be uniform at any instant of time if the velocity does not vary along the direction of flow. तब हम लोग उसको uniform बोलेंगे जब इसका velocity vary नहीं कर रहा है. And in non-uniform flow, velocity varies in the direction of flow. तो जैसे जैसे direction मतलब जैसे जैसे आगे जाएंगे velocity अगर change करता है उसको non-uniform flow कहा जाता है. Now this is an example of equation of continuity. So an incompressible fluid is flowing through a given tube system, and ye important hai incompressible. The cross sectional area are A1 is equal to A by 2, iska cross sectional area A by 2 hai, A2 is equal to A by 4, theek hai, aur yahan pe area of cross section A hai. If speed of liquid at Q and R are, yahan pe speed 4 meter per second hai, यहाँ पे स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है. फाइंड द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पी. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मतलब कि बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए इनटू वी, भाई जितना लिक्विड यहां से पर सेकेंड पास कर रहा है बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A into V will be equal to A1 V1 plus A2 V2. भाई जितना लिक्विड यहां से फ्लो करके पास कर रहा उतना ही लिक्विड इसमें और इसमें मिला के पास कर रहा है ना. लिक्विड तो इनकम्प्रेसिबल है, जितना लिक्विड इधर आएगा वो दो पार्ट में बट जाएगा. सो द अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू क्रॉस सेक्शन A1 एंड क्रॉस सेक्शन A2, इफ यू एड देम टूगेदर यू विल गेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड विच इज getting into it, है ना. करंट वाली चीज है, जितना करंट इधर आया एक दो पार्ट में बट गया करंट, है ना. सो वही वाटर जो आएगा वो दो पार्ट में बट जाएगा. A into V is A1 V1 plus A2 V2. A into V, A1 का वैल्यू है A by 2 into V1 मतलब 4, plus A2 का वैल्यू है A by 4 into V2, है ना. V2 8 है. So, अब ये a a a कैंसिल हो गया. v इज इक्वल टू 4 बाय 2, 2 हो गया, 8 बाय 4, 2 हो गया. ठीक है, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 2, 4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर बच्चों? यस सर. Now Bernoulli's theorem. So compressible and incompressible flow. In incompressible flow, the density of fluid varies from point to point. That is, density is not constant for the fluid. Whereas in incompressible flow, the density of fluid remains constant throughout. Now liquids are generally incompressible, while gases are compressible. So energy of ideal fluid flow. So every point of an ideal fluid flow is associated with three kind of energies. है ना? तो जब भी कोई fluid flow करेगा उसमें तीन energy associated होंगे उसके flow से. पहला है kinetic energy. So if a liquid of mass m and volume v flowing with velocity v, kinetic energy is half mv square. ठीक है? और mass को हम लोग basically, अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग को निकालना होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम एम बाय वी हाफ रो वी स्क्वायर हो गया. अब पोटेंशियल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक, पोटेंशियल एनर्जी
अगर किसी पॉइंट का निकालना है वो हाइट पे डिपेंडेंट है. सो इफ ए लिक्विड ऑफ मास एम एंड वॉल्यूम वी इज एट अ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो दिस इज रो जी एच हो जाएगा. प्रेशर एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर इज कॉल्ड इट्स प्रेशर एनर्जी. अ लिक्विड अंडर प्रेशर कैन डू वर्क एंड सो पोजेस एनर्जी. For example, a liquid in a cylinder can drive a piston as shown in the figure. Let P be the pressure exerted by the liquid on a frictionless piston of area A. Suppose the piston moves through a distance x under the pressure P. मान लो एक प्रेशर P है, उसके वजह से ये पिस्टन जो है at a distance x मूव कर जा रहा है, right? So work done is equal to force into distance, that is pressure into area, force हो गया into distance. एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम हो गया. सो पी इंटू ए इंटू एक्स वॉल्यूम हो गया तो पी वी हो गया. वेयर वी इज इक्वल टू ए एक्स इज वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज प्रेशर एनर्जी. सो प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम वी इज पी इंटू वी. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी. सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल टू पी बाय रो. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर हेड पी बाय रो जी. तो ये प्रेशर हेड पी बाय रो जी है. प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज पी बाय रो है और पी इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू पी. नाउ आइडियल फ्लो फ्लूइड एंड आइडियल फ्लूइड फ्लो. So Bernoulli's theorem is applied to the ideal fluids characteristic. बस ideal fluid में लग सकता है Bernoulli's theorem. और ideal fluid का characteristic क्या है? पहला, fluid flow is steady. दूसरा, fluid is incompressible. तीसरा, fluid flow is irrotational. And fluid flow is non-viscous. ठीक है. Now Bernoulli's theorem, Bernoulli's equation is mathematical expression of the law of mechanical energy conservation in fluid dynamics. तो ये बेसिकली लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स है. द सम ऑफ द प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट अलॉन्ग अ स्ट्रीम लाइन इन एन आइडियल फ्लूइड फ्लो. तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड so pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume and potential energy per unit volume. So energy per unit volume is always constant. So for two points in the liquid at different heights, you know, two point in liquid ka alag alag height pe, right? So maan lo kuch is tarike se hai. यहाँ पे प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, हाइट इसका H1 है, इसका हाइट H2 है, वेलोसिटी V2 है, प्रेशर P2. तो बेसिकली बर्नौलीज़ थ्योरम क्या कहता है, जब लिक्विड इधर से फ्लो कर रहा होगा, राइट, तो P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. Now it can be written as, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख सकते हैं पूरे को रो से डिवाइड कर दो. तो पहले तो ये है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर. सो P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. So energy per unit volume is equal to constant. Now it can be written as पूरे को हम लोग रो से डिवाइड कर देंगे, P by rho plus V square by 2 plus GH is equal to constant, energy per unit mass, right? और पूरे को फिर G से भी डिवाइड कर दोगे तो P by rho G plus V square by 2G plus H is equal to constant, energy per unit weight is equal to constant. Yeah. So energy per unit mass is constant and energy per unit weight is
constant. Here P by rho g is called pressure head. V square by 2g is called velocity or kinetic head, and H is called the gravitational or potential head. तो ये हमारा बर्नौलियस थ्योरम है, पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर. Since the point 1 and 2 can be chosen arbitrarily, we can express this result as Bernoulli's equation. So P plus rho gh plus half rho v square is equal to constant. Now limitations of Bernoulli's equation. So Bernoulli's equation ideally applies to fluids with zero viscosity or non-viscous fluid. In case of viscous fluids, we need to take into account the work done against viscous drag. Okay. So Bernoulli's equation has been derived as the on the assumption that there is no loss of energy due to friction. Hum log friction ko negligible mante hain. But in practice, when fluids flow, some of their kinetic energy gets converted into heat due to work done against internal forces of friction or viscous forces. Bernoulli's equation is applicable only to incompressible fluid because it does not take into account the elastic energy of the fluid. Bernoulli's equation is applicable only to streamline flow. So Bernoulli's equation is applicable only to streamline flow of a fluid and not when the flow is turbulent. And Bernoulli's equation does not take into consideration the angular momentum of the fluid. So it cannot be applied when fluid flows along a curved path. So straight path mein jab fluid flow karta hai, tabhi hum log Bernoulli's equation laga sakte. So ye sare uske limitations hai. Theory bhi utna hi zaruri hai kyunki NEET mein almost 50%, 40-50% questions theory pe based hota hai, jo concept pe. तो इसीलिए कहाँ पे लग सकता है बर्नौलीज थ्योरम, कहाँ नहीं लग सकता है, सब चीज को ध्यान में रखना और बार बार पढ़ना है जिससे आपको याद रहे. जब आप ऑप्शंस देखें तो आपको याद आए कि क्या चीज एप्लीकेबल है और कहाँ पे नहीं एप्लीकेबल है ना. ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सबसे. अब एग्जाम्पल 41 अगर आप देखें, द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर फिटेड इन A closed pipe is 4.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. So pressure closed pipe ke andar itna hai. The open on opening the valve of the pipe. So on opening the valve of the pipe, the reading of the meter reduces to 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Now calculate the speed of water flowing in the pipe. So pressure, हम लोग को पहले जो pressure है वो दे रखा है 4.5 into 10 to the power 5 P1 is equal to 4.5 into 10 to the power 5 Newton per meter square. On opening the valve of the pipe, the reading of the P2 pressure हो गया 4 into 10 to the power 5 Newton per meter square. Calculate the speed of the water flowing in the pipe. जब क्लोज्ड पाइप था तब उसमें लिक्विड फ्लो ही नहीं कर रहा था, तो V1 यहां पे जीरो हो जाएगा. ठीक है, और यहां पे हाइट्स के बारे में मेंशन नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि एक ही हाइट पे फ्लो कर रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. V2 हम लोग को, ठीक है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन द पाइप वो हम लोग को निकालना है. देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर. वैल्यूज डाल देते हैं 4.5 into 10 to the power 5
plus 0, 4 into 10 to the power 5, half rho into V2 square. Rho density of water हम लोग को पता है, उसको use करेंगे अभी. 4.5 minus 4 is 0.5 into 10 to the power 5. इसको हम लोग left side में लेके जाएंगे तो is equal to half into density of water is 1000 into V2 square. So 15 into 200 हो गया V2 square. और V2 is equal to 10 meter per second. Clear है बच्चों? Is it clear? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सर. Now figure shows a liquid of density 1200 kg per meter cube flowing steadily in a tube of varying cross section. है ना, एक liquid flow कर रहा है इसमें at a speed of this. Now the cross section at point A is, यहाँ पे जो A1 है this is 1 centimeter square and B is, यहाँ पे A2 is equal to 20 millimeter square. The points A and B are in the same horizontal plane. ठीक है, तो यहाँ पे देखो same horizontal plane है, तो जो gravitational energy है वो same होगा, gravitational potential energy same होगा. Now the speed of the liquid at A is 10 centimeter per second. यहाँ पे V1 is equal to 10 centimeter per second. Calculate the difference in pressure at A and B. तो देखो by Bernoulli's theorem PA plus half rho v square plus rho g h, rho v1 square rho g h p b plus half rho v2 square rho g h cancel हो जाएगा, same है. Pressure difference, higher pressure to lower pressure flow करेगा, तो p a minus p b is equal to half rho v2 square minus half rho v1 square. Equation of continuity से a1 v1 is equal to a2 v2. ये मतलब ideal question है basically. इसी तरह का question आएगा जब तुमको relation velocity का निकालोगे equation of continuity से. So by equation of continuity इसको apply करके velocity का relation निकालोगे और उसके बाद फिर Bernoulli's theorem लगाओगे. So by Bernoulli's theorem है ना, ये लगाएंगे. So इसका values अब हम लोग put करते हैं. Half into rho है 1200 kg per meter cube, ठीक है, minus माइनस ऑफ, सो हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. वी टू स्क्वायर हम लोग को यहां से निकालना था, सॉरी ए वन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहने देते हैं. वी वन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ए टू जो मिलीमीटर में था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो 20/100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू वी टू. So V2 is equal to 50 centimeter per second हो गया. जब ये 50 centimeter per second निकल गया, V2 square minus V1 square मतलब
50 square minus 10 square. So this is equal to half into 1200 into 2500 minus 100, 2400 centimeter square into 10 to the power minus 4. So ये zero, ये दोनों zero cancel हो गया, 24 और ये 6, 144. तो जो प्रेशर डिफरेंस है 144 पास्कल हो गया. क्लियर है बच्चों? यस सर. हो गया, लिख लिया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप. नहीं हो रहा बच्चों?
नहीं हो रहा है पूछो। नो सर। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वॉटर फ्लोज इन अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर, द प्रेशर ऑफ वॉटर चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में जो प्रेशर है, ठीक है, दैट चेंजेस बाय 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। सो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए वन और ये ए टू है, ए वन इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए टू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू द ट्यूब। मान लो यहाँ पे स्पीड वी वन है और यहाँ पे स्पीड वी टू है, एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। So this is 30 into V1 is equal to 15 into V2. So V2 is equal to twice of V1, first equation. ठीक है, अब Bernoulli's theorem लगाएंगे, तो this is by equation of continuity. Now Bernoulli's theorem से पी ए प्लस हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉम्पोनेंट आएगा नहीं, पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, हाफ रो वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। अब देखो पी ए माइनस पी बी दे रखा है हमें, पी ए माइनस पी बी, अब इसको पी बी को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, तो पी ए माइनस पी बी इज हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है। नाउ पी ए माइनस पी बी इज 600 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज हाफ रो इनटू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, v2 कितना है 2v1 है, मतलब 4v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो ये 3v1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो 600 इज इक्वल टू 3 बाय 2 रो v1 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज, अब रो का वैल्यू, सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 600 इनटू 2 बाय 3 into density 1000 kg per meter cube. Four by 10 0.4 हो गया. V1 square is equal to 0.4. V1 is equal to root under 0.4. So square root of 0.4. 0.63. मीटर पर सेकेंड हो गया। रेट ऑफ फ्लो अगर हम लोग निकालेंगे, अब Q इज इक्वल टू ए वन वी वन, राइट, रेट ऑफ फ्लो यही है, रेट ऑफ फ्लो ए वन वी वन मतलब 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 4, वी वन इज 0.63 मीटर पर सेकेंड। सो 30 कर दो 18.97, मतलब 1.897 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों? यस सर। अब एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग लास्ट अगली क्लास में करेंगे। तुम्हारा जो टेस्ट होगा उसमें जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल तक ही पूछूंगा मैं, बर्नौलीज थ्योरम पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन रह गया है, तो हम लोग इसको नहीं पूछेंगे टेस्ट में तुम्हारे, ठीक है।
ओके सर, ठीक है। और तुम लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह हम भेजेंगे, अपना जो बुकलेट है उसको तो कर ही लेना, उसके अलावा हम क्वेश्चंस भेजेंगे, उसको प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम के लिए, ओके सर, ठीक है। चलिए बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन, बाय सर, थैंक यू।